फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने लैपटॉप में एलेन डिजिटल ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे। अभी हम ऐप को डाउनलोड किए हुए हैं, हम ऐप को अभी यहाँ पे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद एलेन डिजिटल ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप अपने लैपटॉप के क्रोम में जाएंगे। क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे एलेन डिजिटल ऐप लॉग इन। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप सबसे ऊपर देखेंगे लॉग इन साइन अप, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बाई कोर्सेस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद साइड में आएंगे, जो थ्री डॉट की लाइन दिख रही है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको सेव एंड शेयर आपका ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपके लैपटॉप में क्रिएट शॉर्ट का ऑप्शन सेव एंड शेयर यहाँ पे नहीं दिखता, तो आप नीचे आएंगे मोर टूल्स, मोर टूल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्रिएट शॉर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। हमारे लैपटॉप में सेव एंड शेयर यहाँ पे क्रिएट शॉर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्रिएट कर देंगे, हमारा ऐप क्रिएट हो जाएगा। हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद हम एलेन डिजिटल ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो भी आपका आईडी पासवर्ड है फिल करके लॉगिन कर लेंगे आप। यहाँ पे हम प्रोग्राम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्लासरूम प्रोग्राम इस पे क्लिक करेंगे। हमारा ऐप यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे कोर्स फी जी मेंस एडवांस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको कोर्स करना हो यहाँ से आप एडमिशन ले लेंगे। ऐसे ही आप अपने लैपटॉप में एलेन डिजिटल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।